दुनिया वालों ने भाया कि कितने सावन बीत गए, पल है तड़पाए तेरे को तकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन चंडिका। इतनी ऊंची आवाज बोलो भाई, 100 रुपए देंगे। बोलो 50 साल की उम्र में बोल रहा हूँ। फिल्मी गीत गा रहा हाय हाय रे मजबूरी, उनके गीत में ये मजबूरी है कि 2 तकिया की नौकरी के लिए लाखों का सावन जाए। लेकिन मैं निवेदन कर रही हूँ, यहाँ जिन लोगों ने नहीं सुना है गीत वो सुनेंगे। मेरे गीत में 4 माताएं हैं दादा, चूंकि ये प्रश्न गीत है भैया ने कहा है, तो मेरे गीत में 4 माताएं हैं, 4 पुत्र हैं और 4 जगह मजबूरी है। जो मजबूरी मैं बता रही हूँ, आप अगर इस मजबूरी को सुनेंगे तो गीत फिल्मी गीत की मजबूरी भूल जाएंगे। और देखे कैसी मजबूरी। पुत्र का नाम है प्रहलाद, माँ का नाम है कयाधु, पिता का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए, क्योंकि प्रहलाद भगवान का नाम रट रहा है, हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि राक्षसों के घर में पैदा हुआ लेकिन भगवान का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप ने कभी उसे ऊंचे पर्वतों से फिकवाया, कभी जलते खंभे से चिपकाया, कभी सर्पों से डसवाया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। होलिका की गोद में बिठा दिया तब भी प्रहलाद नहीं मरा। एक दिन हिरण्यकश्यप को अपार क्रोध आया और उसने जहर का प्याला, एक प्याले में जहर भरकर अपनी पत्नी को दे दिया। कहा ले कयाधु, ये जहर जाकर प्रहलाद को पिला दे। अब एक माँ जिसने जन्म दिया है वो कैसे ये कर सकती है। फिर भी वो माँ जो कि उसको पत्नी का धर्म निभाना है, वो माँ जहर का प्याला लिए है और कह रही है, कह रही है के पति ने है आदेश दिया, पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो मेरे गीत का तालियों से सम्मान कर दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। धन्यवाद। कहा उस्मान ने, अभी बोल रही उस्मान ने कहा कि हार गया पत्नी का धर्म तो नैनों से अश्रु बहाए, और उस्मान ने कहा कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए, तो हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे
मजबूरी और अपनों से होती दूरी, तो दो धर्म जहां टकराए, एक धर्म माँ का है, एक धर्म पत्नी का है, दो धर्म जहां टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे शहर पिलाया। दूसरी माँ देखिए, दूसरी माँ है केकई। लोग केकई को भला बुरा कहते हैं, कहते केकई कुलटा है, कुलक्ष्मी है जिसने अपने पुत्र के लिए राम को वन मांग लिया। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, केकई जैसी नारी ही नहीं हो सकती है। केकई महान है, अगर केकई नहीं होती तो शायद मानस की रचना ही नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं केकई को चुना, अपनी माँ को नहीं चुना, केकई को चुना और कहा मैया मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास आप मांगे। सब अब वो माँ मजबूर है, लेकिन वो माँ ये भी कह रही है कि राजमुकुट वाली के पास है, उसको वापस लाना। राम राजा तो तभी बनेंगे जब मुकुट आ जाए, पहले तो मुकुट लाने का इंतजाम होना है। ये तो राज मुकुट वाली के पास है, उसको वापस लाना। तो पत्नी धर्म से राज धर्म है, पड़ाव से अपनाना, अपनाना जहाँ टकराए। दादा अब यहाँ पत्नी का धर्म है और राज धर्म है, और मेरे गीत की विशेषता समझ लीजिएगा। मेरे गीत में एक धर्म आगे आता है तो दूसरा छूट जाता है। तो विधवा का वेश बनाए, तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे जहर पिलाए। सभा बेटे ये माँ है राजा मोरा ध्वज की पत्नी यानी ताम्र ध्वज की माँ। भगवान कन्हैया एक मायावी शेर लेकर आए अर्जुन के साथ और कहने लगे कि ये राजा मोरा ध्वज तुम पति पत्नी मिलकर अपने एक लौते पुत्र पर आरा चलाओ और ये मेरा बूढ़ा शेर तुम्हारे बच्चे का मांस खाएगा। अब आप सोच कर देखिए, पिता तो कहीं ना कहीं कठोर हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे पर कैसे आरा चलाए। सवाल लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है कि राज धर्म की कठिन परीक्षा अतिथि द्वार पे आए, तो अतिथि धर्म को अपना कर वो राज धर्म ठुकराए। दादा पहले हार गया है माँ का धर्म, फिर हार गया है पत्नी का धर्म, अब हार गया है राज धर्म। सवाल तो हार गया है राज धर्म, नारायण भी हर्षाए। लेकिन ताम्रध्वज की माँ कहने लगी कि जिस लालन को कोख से जाया उसने कैसे आरा चलाए।
मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी। तो दो धर्म जहाँ टकराए, जिस लान को दूध पिलाया कैसे नहर चौथी माँ और चौथा धर्म ये दादा ज्ञानी जी शाबाश। सतयुग की माँ हो गई, त्रेता की हो गई, द्वापर की हो गई। कलयुग में इतिहास के पन्नों में एक माँ मिली और ये माँ जिसको दुनिया जानती है, इस माँ का नाम है पन्ना धाये। पन्ना धाये, पन्ना धाये ने राजा के पुत्र उदय की जगह अपने बच्चे चंदन को लिटा दिया और दुश्मनों ने आकर उसके बच्चे को उसके सामने काटा। केवल राजा का नमक का फर्ज अदा कर रही है, अपने बच्चे को कटवा रही है और राजा के बच्चे को बचा रही है। ऐसी नारी कौन होगी? ऐसी नारियां केवल भारत में होती है। तो यहाँ पर अतिथि धर्म का मान नहीं, अतिथि घात लगाता तो सेवक धर्म निभा, पन्ना ने जोड़ा पावन नाता। तो हार गया है अतिथि धर्म, क्या बात मेरे भाई, क्या बउआ पाते हैं सवाल। पन्ना भाई भी कह रही है क्योंकि माँ तो माँ है, अपना बच्चा हो चाहे पराया बच्चा हो, लेकिन उस माँ की ममता बोल पड़ी कि हार गया है अतिथि धर्म तो क्रांति भी शीश झुकाए। तो जिस लालन को लोरी सुनाई, उस माँ ने जिस लालन को लोरी सुनाई, उसे मौत की नींद सुलाए। तो हाय हाय अरे हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी। दो धर्म जहाँ टकराए, तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे सहर पिलाए। गीत अच्छा लगा हो तो टुकड़ों में नहीं मिलकर एक बार तालियां बजाइएगा। ये बात धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये एक मूल्यवान पुरस्कार, ऐसा पुरस्कार है मेरे लिए बड़ा सम्मानित पुरस्कार। दान से रहे हमारे सम्मानी जगदीश भैया जी, आपके माध्यम से। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग इतना स्नेह करते हैं मुझे, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कई वर्षों से आप चाह रहे हैं कि मैं आपके मंच पर गाऊं, लेकिन पता नहीं ईश्वर किस दिन चाह रहा है। हो सकता है अगले वर्ष जरूर आपकी सेवा करूं, अभी से सोच रखा है मैंने। कई बार जब जब भी आपने इस कार्यक्रम के लिए बताया मुझे, तो मैं कहीं ना कहीं बुक मिली आपको। तो इस बार 2 नवंबर को विशाल जनादि कीर्तन, ये रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग बिग बाजार के सामने, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, जिसमें 2 पार्टियां हैं, करुणा शर्मा जी हाथरस और कल्पना दुबे जी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, कार्यक्रम सफल बनाएं। और मेरी अपार शुभकामनाएं जगदीश भैया, हम चाहे वहां उपस्थित हो ना हो, लेकिन ईश्वर आपका कार्यक्रम सफल करे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। ये 101 मुद्राएं हैं बाबा की, आप सब पर कृपा बनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, गीत बड़ा अच्छा आया है आपका,
और कोशिश कर रहा हूं कि कितने सावन बीत गए से कोई फायदा नहीं क्यों धीरे से काम बहुत बढ़िया गीत आया हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को शहर दिया गया कहा जाओ प्रहलाद को पिला दो पिला दो ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय श्री श्री राम जी यादव बुढ़ऊ दादा की ओर से क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद है हिरण्यकश्यप ने जब अपनी पत्नी कयाधु को जहर का प्याला दिया जाओ मैंने तमाम प्रयत्न करके देख लिए उसको मारने के नहीं मार पाया अब तुम स्वयं अपने हाथ से उसको जहर दो संकोच नहीं है फिर वालों ने यहां पर हाय हाय ये मजबूरी लिखा मैं कह सकता हूं कि वो वहां पर उतनी मजबूरी नहीं है लेकिन गीत के अंदर जहां पर ये बात लाई गई है कि हाय हाय ये मजबूरी तो वास्तव में यहां पर है मजबूरी है लिखने वाले की मजबूरी थी जहर पिलाए हाय हाय ये मजबूरी ये देखिए इधर भी
हाय हाय ये मजबूरी साबित हो जाए तब तो जवाब ये दिल मिला रहा है। परशुराम जी के पिता का नाम था यमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। केवल देख के दिल मिला रहा है। एक बार यमदग्नि ने रेणुका को गंधर्वों के साथ विहार करते हुए देख लिया। यमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि जाओ जाओ सो जाना, अपनी माँ का सिर काट दो। देखिए यहीं से जवाब निकल रहा। सुने आप, माता का सिर काटो अपनी,
भले पिता ने आदेश किया हो तो क्या, अरे पहाड़ों से प्यारे भैया जब चित्रकूट में है राम, अरे पहाड़ों से प्यारे भैया तो है भारत मनाने आए, अरे मातृ धर्म पितृ धर्म त्याग भाई का धर्म निभाए, क्रांति जी भाई का धर्म छूट गया। अब फिर देखें आप कि भाई पांचो पांडव तेरे जब कर्ण ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं अर्जुन को अवश्य मारूंगा, कुंती ने जब सुना तो कुंती कर्ण के पास आई, कहने की बेटा बेटा जिसको तूने मारने की प्रतिज्ञा कर ली है वो तेरा अपना सदा छोटा भाई अर्जुन है। भाई पांचो पांडव तेरे माता ने बतलाया, भाई पांचो पांडव तेरे माता ने बतलाया, अरे सुनी बात जब कर्ण उसकी उसे दास ना आया, हा आया हा आया, अरे सोच रहा मन में कैसे, कर्ण भी सोच रहा है, सोच रहा मन में कैसे भाई को गले लटाए, अरे सोच रहा कोई साथ देने वाला नहीं था, दुर्योधन के साथ दिया, इसलिए कह रहा सोच रहा मन में कैसे भाई को गले लगाए, अरे दुर्योधन ने दिया साथ तो कैसे उसे भुलाए, और मेरे लिए यहां भी अब हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी बनी रहे ये पूरी, अरे हाय हाय ये मजबूरी अब बनी रहे ये पूरी, और ये पूरी ना मिट पाए अब भाग धर्म को छोड़ कर्ण बस मित्र का धर्म निभाए, जवानी की प्रक्रिया यही तक पूरी हो गई है।